गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इट्स क्लास थर्ड नाउन पार्ट फोर। पार्ट फोर में जो है हम कंपाउंड नाउन के कुछ एग्जांपल देखेंगे। पार्ट थ्री में उसकी हमने कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन और कुछ इसके फॉर्म्स देखे थे, राइट? थ्री टाइप ऑफ फॉर्म्स देखे थे। अब कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताया था। जो कंपाउंड नाउन है उसमें या तो दो या दो से जो ज्यादा वर्ड है नाउन नाउन हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बस स्टॉप, बस भी नाउन है और आपका स्टॉप वर्ड भी नाउन है, तो ये नाउन नाउन। फायर फायर भी नाउन है, फ्लाई भी नाउन है। फुट बॉल, फुट भी आपका नाउन है और बॉल भी आपका नाउन है, तो ये एग्जांपल हो गए नाउन प्लस नाउन कंपाउंड नाउन के। एडजेक्टिव फिर नाउन, ऐसे भी कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनमें पहले एडजेक्टिव आता है देन नाउन आता है। फूल, फुल मून, फुल मून पूरा चांद, ठीक है? तो फुल क्या हो गया? एडजेक्टिव, विशेषता बता रहे हैं। चांद कैसा हो गया? फुल, फुल मून। ब्लैक बोर्ड, बोर्ड कैसा है? ब्लैक। सॉफ्टवेयर, वेयर और सॉफ्ट, तो सॉफ्ट क्या बता रहा है? इसकी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। एंड ये वेयर शब्द हमारा नाउन है या बोर्ड भी नाउन है, मून भी नाउन है, और जो पहला वर्ड जैसे कि फुल, ब्लैक और सॉफ्ट, ये सब हमारे एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है, ऐसा भी कंपाउंड नाउन हो सकता है जिसमें या तो वर्ब और फिर नाउन आए या वर्ब में आईएनजी आए और फिर नाउन आए। देखते हैं ब्रेकफास्ट, तो ब्रेक क्या है? हमारा वर्ब। और फास्ट क्या है? नाउन। उसी तरह से देखिए वॉश क्या है? हमारा वर्ब, वॉश यानी धोना, और इसमें मैंने आईएनजी लगा दिया तो वॉशिंग, और ये मशीन क्या हो गया? नाउन, तो वॉशिंग मशीन। स्विमिंग पूल, स्विम क्या मतलब? तैरना, इसमें मैंने आईएनजी लगा दिया तो स्विमिंग हो गया, तो ये वर्ब के प्लस आईएनजी हो गए और पूल हमारा नाउन हो गया। तो स्विमिंग पूल, वॉशिंग मशीन एंड ब्रेकफास्ट ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड नाउन ऑफ टाइप वर्ब प्लस आईएनजी प्लस नाउन। नाउ ऐसा हो सकता है कि पहले नाउन आए और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए, जैसे कि सन। सन क्या है आपका? नाउन, और राइज यानी उगना, तो ये सन राइज हो गया। हेयर कट, हेयर यानी हेयर के बाल आपके नाउन हो गए, और कट यानी किस चीज को काटना, ये वर्ब हो गई। ट्रेन, ट्रेन आपका नाउन हो गया, और स्पोर्ट एक वर्ब है और स्पोर्ट में मैंने आईएनजी लगा दिया तो ये फॉर्म हो गया नाउन प्लस वर्ब में आईएनजी, या नाउन प्लस वर्ब भी आ सकता है और नाउन प्लस वर्ब में आईएनजी भी आ सकता है। नेक्स्ट है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे कि बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, ऑन यानी ऊपर, इन यानी अंदर, इस तरह से सारे प्रीपोजिशन है, राइट? तो जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिसमें पहले वर्ब आएगा और फिर प्रीपोजिशन आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे चेक, चेक हमारा वर्ब है और आउट हमारा प्रीपोजिशन है, तो चेक आउट, इन दोनों के बीच में हाइफन। हमने पढ़ा था ना कि जो कंपाउंड नाउन होते हैं वो थ्री फॉर्म्स में होते हैं, या तो वो ओपन होंगे उनके बीच में स्पेस होगा, या फिर उनके बीच में हाइफन होगा, या फिर वो क्लोज और सॉलिड होंगे, मतलब ना ही उनके बीच में कोई दो वर्ड्स के बीच में स्पेस होगा और ना ही कोई हाइफन होगा। ये हमारे हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन का भी एग्जांपल है और वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हो सकता है कि प्रीपोजिशन हो और फिर नाउन हो, तो प्रीपोजिशन जैसे अंडर, अंडर यानी नीचे, हमारा प्रीपोजिशन हो गया, और वर्ल्ड यानी कि ये नाउन, तो अंडर वर्ल्ड, ये हमारा कंपाउंड नाउन हो गया प्रीपोजिशन प्लस नाउन का। हो सकता है नाउन हो और फिर एडजेक्टिव। एग्जांपल के लिए ट्रक, ट्रक क्या है? मेरा नाउन, और एडजेक्टिव फुल, ट्रक फुल है ना, ट्रक जो है वो पूरा फुल है, तो ये हो गया ट्रक फुल एग्जांपल। हो गए आपको ये समझ में आया होंगे, हमने कुछ पैटर्न्स देखे और पैटर्न के कुछ एग्जांपल देखे कंपाउंड नाउन में, तो ये हमारा जो कंपाउंड नाउन है कंप्लीट हो गया है। पार्ट फाइव में हम दूसरे टाइप का नाउन पढ़ेंगे, आप इसे उतार लीजिए। थैंक यू।